मध्य प्रदेश के खाते गांव में चंद रुपयों के पीछे एक युवक को मौत के घाट उतार डाला और पुलिस व परिवार वालों को गुमराह करने के लिए लाश को तालाब में फेंक दिया गया। लेकिन हत्यारा कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि वह बच नहीं सकता। दरअसल नवागत एसपी कृष्णा वेणी देसावतु ने देवास जिले की कमान संभालते हुए जिले के आला पुलिस अधिकारियों की मीटिंग ली एवं जिले में गंभीर मामलों के निराकरण के आदेश दिए। लगभग 2 साल पहले खातेगांव थाना क्षेत्र के ग्राम खल के तालाब में एक युवक की लाश मिली थी, जिसके पीएम रिपोर्ट में युवक की गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया था। मामले में जांच चल रही थी। मामला गंभीर होने पर पूरी घटना की पुलिस अधीक्षक ने नए स्थल से जांच कराने के आदेश दिए एवं सूचना देने वालों को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की गई थी। एडिशनल एसपी डॉक्टर नीरज चौरसिया, एसडीओपी निर्भय सिंह के अलावा एवं खातेगांव थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती ने पूरी घटना की बारीकी से विवेचना कराई तो पता चला कि मृतक युवक रेत का वाहन चलाता था, जो इंदौर से रेत लेने 19,000 रुपए लेके होशंगाबाद के लिए आया था, पर उसने रेत नहीं ले जाते हुए पैसे अन्य कार्यों में खर्च कर दिए और रेत के डंपर को नसरुल्लागंज रोड पर एक ढाबे के पास खड़ा कर दिया। रेत की गाड़ी 6 से 7 दिन में इंदौर नहीं पहुंची तो राजेंद्र और दीपक गाड़ी की तलाश करने निकल गए। गाड़ी एक ढाबे के पास क्षतिग्रस्त हालत में मिल गई। ड्राइवर राजेंद्र और दीपक को देखकर भागने लगा, तभी दोनों ने मिलकर ड्राइवर को पकड़ लिया और राजेंद्र ने गला दबाकर मार डाला और लाश को पास के ही तालाब में फेंक कर गाड़ी को दूसरे ड्राइवर को से चलवाकर इंदौर ले गई और पुलिस और मृतक के परिवार को गुमराह करते रहे। जब पुलिस ने पूरे मामले की सख्ती से पूछताछ की तो घटना को अंजाम देना उन्होंने कबूल किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। देवास मध्य प्रदेश से स्टेट हेड अमर वर्मा की खास रिपोर्ट। दिनांक 28 तारीख अगस्त 2018 को खल बचकार के पास तालाब में एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिला था, पानी में डूबा हुआ था। ग्राम चौकीदार की रिपोर्ट पे थाना खातेगांव में उस पर मर कैद किया गया और बाद उसके अपराध धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। पोस्टमार्टम से पता चला कि मृतक की गर्दन दबाकर और उसकी एक्सपीसिया कारण था उसकी मृत्यु पर, उसकी हत्या हुई है। जब पूरी पड़ताल की तो तत्कालीन समय तो बहुत ज़्यादा खुलासा नहीं हो पाया, क्योंकि सभी एक दूसरों से मिक्स थे, एक दूसरों के साथ रह रहे थे। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा फिर इसको पुनः संज्ञान में लिया गया और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में इसमें एक टीम बनाई गई। उसमें एसडीओपी साहब थे, थाना प्रभारी थे, भदौरिया जी थे हमारे सब इंस्पेक्टर साहब और बाकी थाने का स्टाफ था। इन लोगों ने वापस से पूरी घटना को रिकंस्ट्रक्ट किया, कुछ मोबाइल फ़ोन और उससे संबंधित जानकारियों को एकत्रित किया, साइबर सेल की मदद की, वापस पूरी घटना को रिकंस्ट्रक्ट कर किया और फिर उन चीज़ों को बारीकी से उसका विन्यास कर फिर पूरा एनालिसिस किया गया। तब जाकर ये पता पड़ा कि इंदौर निवासी राजेंद्र और दीपक राठौर दोनों कज़िन ब्रदर हैं। इन दोनों ने एक एलबी ट्रक था, उसका ड्राइवर था विक्रम कोरकू। इस विक्रम कोरकू को 2-3 दिन पहले कुछ 19,000 रुपये सिल्लर दे के रवाना किया था। रेत भरने के लिए वो 19,000 रुपये लेके निकला था, लेकिन वो पैसे खर्च हो गए, उसने कोई काम भी नहीं किया। जब बाद में वो लोग ढूंढते हुए आए तो वो खल बचकाल के पास ही एक ढाबे में क्षतिग्रस्त अवस्था में वो तो उनका ट्रक मिला। फिर उन्होंने जब जैसे वो ट्रक की लाइट वगैरह चालू कर रहे थे तो ही उसको विक्रम दिख गया लाइट। विक्रम का पीछा दोनों ने किया, राजेंद्र और दीपक ने, और ये दौड़ते हुए गए खेत को पार करते हुए और तालाब के पास पहुँचे और उसको पकड़ा। राजेंद्र ने उसकी गर्दन दबा दी, उसकी वहीं मौके पर मृत्यु हो गई। दोनों ने मिलकर उसको उसी तालाब में डेड बॉडी को डाल दिया और वहाँ से दूसरे ड्राइवर एक और ड्राइवर को लेके साथ गए थे, गोलू नाम का, विजय गोलू, उसको लेके वो फिर ट्रक लेके वापस चले गए। और इस घटना में किसी तरह से किसी से कोई बातचीत नहीं की, साक्ष्यों को छुपाने की कोशिश की, तो 201 की धारा भी इसमें उन पर लगाई गई। तो इस तरह से पूरी घटना का खुलासा किया। इसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, पूरे सभी लोग बधाई के पात्र हैं। 10,000 रुपये का इसमें इनाम घोषित किया गया था पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, वो टीम को बराबर उनके काम के हिसाब से वितरित किया जाएगा। थैंक यू सर। घटना के समय कोई मोबाइल लोकेशन आई हुई?
मोबाइल लोकेशन का कई सारा हमने उसमें काम किया है, वो टेक्निकली उसमें साइबर सेल से हेल्प ली है, तो वो सारी चीजें आई हैं। तो जो आरोपी थे वो एक्चुअली उसके मालिक ही थे, तो बहुत ज्यादा उसमें जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं, इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. aise hi latest khabrein paane ke liye bell icon ko click kar hamare channel ko like, share and subscribe kare. dhanyawad.